रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ठीक है और एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज किसके किसके बीच में रिलेशन निकालनी है, एल और आई के बीच में है ना, इसके बीच में रिलेशन निकालनी है। बड़ा सिंपल सी रिलेशन है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये फाइंड करना। देखो सपोज कर लो आपके पास इस तरह से कोई ना एक रिज्ड बॉडी है, ठीक है मान लो इस तरह से कोई एक रिज्ड बॉडी है ठीक। अच्छा अब आपको पता है यार अगर ये रोटेट कर रही है तो किसी ना किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होगी, तो उसका मतलब मुझे एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। तो सपोज कर लो इस तरह से आपका रिज्ड बॉडी है और ये रोटेट कर रही है अलोंग जेड एक्सिस, इस तरह से रोटेट कर रही है, मतलब इस तरह से बॉडी घूम रही है इस तरह से ठीक है। तो अलोंग जेड एक्सिस ये बॉडी घूम रही है, अब किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी है ना, मान लो वो एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, मान लो वो ओमेगा है, सही है। अब ये जो रिज्ड बॉडी है सपोज कर लेते हैं ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, पता तो है रिज्ड बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनती है और ये पार्टिकल्स बड़े पास पास होते हैं। अब मान लो ढेर सारे पार्टिकल्स हैं ठीक है, एक का मास मान लो m1 दूसरे का m2 ऐसे करते 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 ढेर सारे पार्टिकल्स है तो एक मास mn मान लो। अब क्योंकि हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ डील करना है और आपको पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ और सिर्फ मास कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसमें एक चीज और कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्योंकि हम उस रिज्ड बॉडी में भी एक एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो मेरे को हर एक पार्टिकल का क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज m1 पार्टिकल। ये जो m1 पार्टिकल है ये जो m1 पार्टिकल है ये कितनी दूरी पे है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये देखो, और वो भी कैसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसको बोलूंगा मैं r1। सेकंड m2 पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है तो r2। ऐसे करते करते mnth पार्टिकल जो है वो कितनी दूरी पे है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या मान लिया मैंने rn मान लिया। तो जो अभी तक यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया कुछ वैसा ऐसा ही हम अब क्या करने वाले हैं यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करें बताओ भाई साहब, क्या किया मैंने बताओ, एक रिज्ड बॉडी ली है ना, और ये रिज्ड बॉडी कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, n तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ रिज्ड बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है। एक रिज्ड बॉडी है वो कितने पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, n पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, सही है। यहां पे m1 m2 m3 mn है, क्या चीजें हैं, मास है किसका, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, nth पार्टिकल, तो लिख दो उसको। लेट m1 m2 m3 ऐसे करते 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 mn बी द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल, सही है ना। अब अच्छा कुछ और ड्रा किया मैंने यहाँ पे, किया कुछ और ड्रा है ना, क्या ड्रा किया, r ड्रा किया, तो लिख देते हैं लेट r1 r2 r3 ऐसे करते 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 rn बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका ऑफ फर्स्ट सेकेंड दैट इज nth पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सही है ठीक है। देखो जो बनाया उसी को लिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा बड़ी बार बच्चे क्या करते हैं इसको अलग से याद करते हैं और डायग्राम अलग से बनाते हैं, वो नहीं करना चाहिए आपको, बस डायग्राम बनाओ और एक एक करके यहां पे लिखते जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो ये कहानी ऐसी चलेगी, जब स्टोरी ऐसी आप नरेट करोगे ठीक है, ऐसे इसको समझोगे तो फिर याद करना बड़ा आसान है। क्या किया हम लोगों ने यार, एक रिज्ड बॉडी ले ली और रिज्ड बॉडी n तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वही तो लिखा। अब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डील करना है तो मुझे एक एक पार्टिकल की बात करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा चलो m1 m2 m3 ऐसे करते करते mn मास है पहले पार्टिकल का, दूसरे तीसरे चौथे nth के। अब क्योंकि हमें पता है यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया में r भी आएगा तो हर एक पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लिखना है, वो लिख दिया, यही है ना सारी कहानी है ना। अब एक चीज और हो रही है इसमें भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो तब आएगा जब बॉडी रोटेट करेगी, तो हमें ये भी बोलना पड़ेगा भाई साहब ये रिज्ड बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, अब किसी ना किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होगी, कौन, हमने यहां पे क्या मान लिया जेड एक्सिस, तो इसको भी लिख दो। लेट द रिज्ड बॉडी इज रोटेटिंग, रिज्ड बॉडी क्या कर रही है, रोटेटिंग अबाउट कहां,
जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है, ठीक है, जेड एक्सिस, और किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ कर रही होगी, विद एंगुलर वेलोसिटी, विद एंगुलर वेलोसिटी, कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा, कितनी है, ओमेगा, सही है, सही है। अच्छा अब हमें फाइंड करना है एल और आई के बीच में रिलेशन, ठीक है, एल और आई के बीच में रिलेशन। तो एल तक पहुंचने के लिए सुनो कैसे यहां तक पहुंचेंगे हम। एल का मतलब हो गया एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू पी, यानी कि मेरे को आर चाहिए और पी चाहिए, ठीक है, चलो आर तो हमें मिल ही जाएगा कोई ना कोई यहाँ से बना लेंगे। पी, पी का मतलब हमें क्या चाहिए, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मुझे कहानी कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, वेलोसिटी से, वेलोसिटी से शुरू करूंगा, फिर मैं पी पे आऊंगा, फिर मैं एल पे आऊंगा, तब जाके देखेंगे कि उसके अंदर आई आता है या नहीं आता है। तो चलो किसी आईथ पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एन तक पार्टिकल्स है ना, किसी एक पार्टिकल की बात कर लेते हैं जो आईथ पार्टिकल है, चलो ठीक है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ आईथ पार्टिकल क्या होगी, नाउ द वेलोसिटी, अभी घूम रही है ना बॉडी, आईथ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ आईथ पार्टिकल की क्या होगी बताओ, पार्टिकल हमें पता है यार, वी आई लिखना पड़ेगा मुझे इसको, है ना, किसके बराबर होगा वो, या तो वी इक्वल टू, भाई रोटेशनल मोशन वहां पर पढ़ा था ना, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से कैसे कनेक्ट होती है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा आर बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या आएगा, वी इक्वल टू आर आई ओमेगा, ठीक है ना, एक एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वी इक्वल टू आर आई ओमेगा, ठीक है। अच्छा नाउ ये आ गई वेलोसिटी, अब देखो आगे की कहानी हमें पता है, नाउ द मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है ना, नाउ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ आयथ पार्टिकल, इस आयथ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा बताओ भाई, सिंपल सा फॉर्मूला, पी आई कितना होगा, मास इंटू मास, किसका आयथ पार्टिकल की बात हो रही है, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी, आयथ पार्टिकल की बात हो रही है, तो क्या हो गया ये, ये तो सिंपल सी बात हो गई है ना। तो आगे हमारे पास पी आई की वैल्यू क्या आ गई, एम आई, तो ठीक है, वी आई की वैल्यू है ना वहां पे हमारे पास, आर आई ओमेगा, सही है ना। हमें क्या करना है, क्या हमें यहीं तक रखना था क्वेश्चन को, हमने क्या मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, लीनियर मोमेंटम नहीं, हमें पहुंचना है कहां, एंगुलर मोमेंटम। हेयर अगेन वी नो दैट, ऐसे बोल सकते हो, अगेन वी नो दैट, क्या पता है आपको, आपको पता है कि यार एंगुलर मोमेंटम किस बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयथ पार्टिकल, बताओ इस आयथ पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, फार्मूला एल आई किसके बराबर होना चाहिए, आर आई इंटू पी आई, सही है ना। तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम आ गया एल आई इज इक्वल टू, बताओ किसके बराबर, आर आई पी आई की वैल्यू तो है हमारे पास, एम आई आर आई ओमेगा, तो बताओ एल आई किसके बराबर आया, एम आई आर आई का स्केयर आ गया, ओमेगा नहीं आ गया, ये एम आई आर आई का स्केयर क्या बना, एम आर स्केयर क्या होता है, मोमेंटम इनर्शिया यार, तो क्या आ गया ये, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना, वेयर आप लिख सकते हो, वेयर एल आई इजकल टू एल इज क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आईथ पार्टिकल, और यहाँ लिख दो एम आई आर आई का स्क्वेयर इजिकल टू आई इजिकल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आईथ पार्टिकल, तो क्या एल इजिकल टू आई ओमेगा नहीं आ गया क्या, तो ये किसके किसके रिलेशन आ गई, एल और आई और ओमेगा के बीच रिलेशन नहीं आ गई, यहीं पर इसको आई को हटा दो, एल को ही रखो, चलो नोटेशन ही तो है, क्यों रखना इसको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ आयथ पार्टिकल को एल से डिनोट कर दो सीधी बात, ठीक है, बाद में इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एल इजिकल टू आर आई पी आई, एल इजिकल टू एम आई आर आई एम आई आर आई ओमेगा, तो एम आई आर आई का स्केयर इंटू ओमेगा, व्हाट इज एम आई आर आई, इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द आयथ पार्टिकल, दैट इज आई इजिकल टू ओमेगा, एल इजिकल टू आई ओमेगा, याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आती है, न्यूमेरिकल्स में बहुत बार काम आती है, सही है, ठीक है कहानी बता दूं, ये आ गया आपकी रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा अगर सेम क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा चेंज आ जाए, अगर आपको आ जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन निकालो, बता दो उसको, देखो
अपना काम थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा उसको क्योंकि यहाँ तक की कहानी सेम है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी, बताओ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ एनर्जी। पहली कहानी ये सारी इसकी सारी सेम, ठीक है, एक वही वाली पुरानी स्टोरी कि हमारे पास एक रिज्ड बॉडी है, रोटेट कर रही है बोर्ड जेड एक्सिस, वो एन तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, m1 m2 m n सारे के सारे उनके मासेस हैं, r1 r2 r2 परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। तो हमें पता है यार वी वेलोसिटी ऑफ आइथ पार्टिकल क्या होगी, vi = ra ओमेगा, ठीक है, ये कहानी पूरी सेम। ठीक, अब मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। नाउ हाँ, काइनेटिक एनर्जी = 1/2 mv2, सही है भाई, वी की वैल्यू तो है हमारे पास आइथ पार्टिकल की, निकाल दो। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 mv मतलब ri का स्केयर ओमेगा स्केयर, ठीक है। व्हाट इज mri स्केयर, सिर्फ इसको देखो तो यार ये आयथ पार्टिकल का मोमेंटम नहीं हो गया जिसको हमने वैल्यू लिखा था, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। देखो तो काइनेटिक एनर्जी मतलब आयथ पार्टिकल की किसके बराबर होगी, 1/2 i ओमेगा स्केयर, ये नहीं बन गया क्या, खत्म कहानी इसकी। और अगर ये वो बॉडी ऐसे थोड़ा सा अगर और करना चाहते हो, अगर ये बॉडी एंगुलर वेलोसिटी जो है उसकी अगर 1 rad/s हो, इफ देख सकते हो इफ ओमेगा अगर 1 rad/s हो तो देखना बड़ी कमाल की वैल्यू आती है, इसलिए 1 rad/s की बात की जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है किसके बराबर, 1/2 i ओमेगा के वैल्यू 1 आ गई, और इवन के i किसके बराबर आ गया, 2 times काइनेटिक एनर्जी, खत्म कहानी। कि अगर आपको क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल आए, बोलो भाई साहब एक बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और बोलता है वो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 1 rad/s, तो बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। कुछ नहीं करना, अगर काइनेटिक एनर्जी 2 joules है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डबल ही करना उसका बस, है ना, 2 times काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सारी कहानी सेम, बस यहाँ पे थोड़ी सी चेंज और आपके पास एक और रिलेशन आ गई, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रिलेशन हो गई यहाँ पर समाप्त। तो एक के साथ एक फ्री वाला क्वेश्चन है ये, है ना, बाय 1 get 1 free, एक आता होगा दूसरा आ ही जाएगा, है ना, कितना आसान, v = r ओमेगा, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv2, v की वैल्यू डालो तो mr² बन जाएगा, वो i बन गया, तो वह काइनेटिक एनर्जी = 1/2 i ओमेगा स्केयर, तो 1/2 बस खत्म कहानी। तो यही तो है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में, सही है, ठीक है, मिटा दूं, लिख दिया यहाँ तक की कहानी से, बस आगे थोड़ी सी बात अलग करनी है और आपकी एक और रिलेशन आ गई, एक और रिलेशन फाइंड करनी है, मिटा दूँ उसको, उसके लिए ये कहानी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो आपकी मर्जी है, चलो उसके लिए भी सेम कहानी रखो यहाँ तक, यहाँ तक की स्टोरी सेम, ये भी कहानी खत्म कर देंगे हम उसकी, ठीक है। और रिलेशन कर लो फाइंड, टार्क एंड आई, रिलेशन बिटवीन टार्क एंड आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी स्टोरी सेम, और यहां लिखेंगे हम एज वी नो दैट, क्या रखेंगे क्या पता आपको, आपको अभी भी पता चला सर एल होता है किसके बराबर, आई ओमेगा के बराबर, है ना, एल होता है आई ओमेगा के बराबर, ये अभी भी हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो है एल आई ओमेगा के बराबर होता है। तो जब ये रिलेशन आएगी ना आपको, फाइंड द रिलेशन विद टाउ एंड आई, फाइंड द रिलेशन विद टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ना अलग अलग चीजों से कनेक्ट करके देखा हमने, एंगुलर मोमेंट के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कनेक्टेड है, काइनेटिक एनर्जी के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कनेक्टेड है, और अब हम देखने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टार्क के साथ कैसे कनेक्टेड है, क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला बनता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देखो ये वाली स्टोरी तो पूरी लिखनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लेट अस कंसीडर यहाँ तक, बाकी फिर ये तो पता है l = i ओमेगा। अब टार्क निकालने के लिए और ये रिलेशन निकालने के लिए आप मुझे बताओ, अगर आपको मोमेंटम पता हो, पी पता हो, और आपको फोर्स निकालनी हो, क्या करो, क्या इसको डिफ्रेंशिएट करूं, क्या बना, व्हाट इज dp/dt, इट इज अ न्यूटन का साइकिल ना, मतलब अगर आपके पास मोमेंटम है और आप उसको अगर सिंपल डिफरेंशिएट करते हो तो तुमको क्या मिलने वाला है, तुम्हें फोर्स मिलने वाली है। अब यहां पे था लीनियर मोमेंटम तो तुम्हें मिली फोर्स, वहां पे क्या है एंगुलर मोमेंटम, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है भाई, टॉर्क मिलने वाली है ना, लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलने वाली है, एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, टॉर्क मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर फोर्स है इसका मतलब बॉडी ने एक्सेलरेट किया, भाई फोर्स है तो बॉडी ने एक्सेलरेट किया मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बदली है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे ये मानना पड़ेगा कि भाई साहब आपका जो ओमेगा है वो बदल रहा है, ओमेगा चेंज कर रहा है, भाई साहब चेंज ही तो कर रहा होगा, क्यों भाई, देखो ना फोर्स आई, समझो इस बात को, फोर्स आई तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज आई, व्हाट इज दिस,
डीपी बाई डी टी इट्स अ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि समय के साथ मोमेंटम बदल रहा था। मोमेंटम में चेंज कैसे आ सकती है, एम इन टू वी, वी चेंज हो रहा है तभी तो मोमेंटम में चेंज आएगी, इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है ना। तो इसी तरह से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे को ये मानना पड़ेगा कि आपका आई कॉन्स्टेंट और चेंज कौन हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसको मतलब मैं करूँ उसको डिफरेंशिएट करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या इसको ऐसे लिखूँ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, डी एल बाय डी टी, आई यहाँ रखे यहाँ से और क्या करेंगे डी ओमेगा बाय डी टी कर सकते हैं ना। ये स्टेप समझ आया, देखो ये रिलेशन बड़ी कमाल की है, यहां तो समझ आया। अब देखो व्हाट इज डी एल बाय डी टी, ये तो है टॉर्क, ठीक है। जैसे डीपी बाई डी टी लीनियर मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिली तुम्हें फोर्स, एंगुलर मोमेंटम को साथ डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मिला तुम्हें टॉर्क। तो अब बताओ आई व्हाट इज डी ओमेगा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई डीपी बाई डीवी बाई डी टी क्या था, आपस में रिलेशन चेंज बिल्कुल ऐसी होती है, कोरिलेट करती है। व्हाट इज डीवी बाई डी टी, इट इज एक्सेलरेशन, भाई वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। ऐसे ही आपका डी ओमेगा बाई डी टी क्या होगा, इट इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, पर कौन सी, एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे लिखते हैं उसको, अल्फा के साथ, खत्म कहानी इधरी, स्टोरी इसकी इधरी समाप्त, इतनी सारा रिलेशन है यार। यहां तक की कहानी आपको याद करनी है, उसके बाद आपको एक के साथ दो नहीं, एक के साथ क्या फ्री है, तीन फ्री है, बंपर ऑफर न्यू ईयर पे। तो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, खत्म कहानी, कुछ नहीं करना, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा में पता है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। DL by DT is equal to I, D omega DT क्योंकि omega भी बदल रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा DL by DT is equal to torque होता है, I I रहा, और D omega DT क्या बना, alpha, that is the angular acceleration, लिख देना यहाँ पे क्योंकि हमने कहीं इसके बारे में बात नहीं किया, तो हम लिख देंगे where alpha is equal to angular acceleration, ठीक है। Torque, ये जो आया ये क्या है, यहाँ पे लिख दो tau is equal to torque, बस खत्म। तो तीनों रिलेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे टार्क के साथ रिलेट करती है, क्या फार्मूला आता है वो अपने याद रखना, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूला आने के लिए आपको ये रिलेशन आनी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हर लिहाज से। तो ये तीनों रिलेशन आपको याद करनी है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टार्क के साथ कैसे जुड़ा है देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक इनर्शिया कैसे जुड़ा है देख लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम के साथ कैसे कनेक्टेड है हमने देख लिया इस लेक्चर में, ठीक है। एक के साथ तीन फ्री, क्योंकि यहाँ तक की कहानी सेम, बस थोड़ा सा दो तीन लाइनें चेंज और आपको रिलेशंस मिलती जाती हैं, ठीक। इतना ही करेंगे, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर हो गया समाप्त।